आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ व राष्ट्रीय महामंत्री अंजलि पटेल सोमवार को खरगोन प्रवास पर पहुंची। यहां उन्होंने भारतीय मजदूर संघ के तत्वावधान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर वेतन कटौती सहित लंबित मांगों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा सरकार से लंबे समय से स्थायी कर्मचारी के साथ वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। 10,000 रुपए वेतन में महंगाई के इस दौर में गुजारा करना मुश्किल है। सरकार ने वर्ष 17-18 में 1,500 रुपए की बढ़ोतरी की थी, लेकिन वह भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कटौती कर दी। अब दोबारा सत्ता परिवर्तन के बाद से लगातार मुख्यमंत्री से वेतन बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन महज आश्वासन दिए जा रहे हैं। पटेल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 2 माह में लंबित मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को बाध्य होंगे। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। मैं अंजलि पटेल, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ एफिलिएटेड बाय भारतीय मजदूर संघ, उसकी राष्ट्रीय महामंत्री हूं। आज अपने सांगठनिक प्रवास खरगोन में है मेरी, मध्य प्रदेश की, और मेरी कार्यकर्ता के साथ बैठकर थोड़ी सी सांगठनिक कार्य में मैं अपनी आई हुई हूँ। क्योंकि अभी सरकार का जो रवैया है, यहाँ जो 2017-18 में बहनों का पेमेंट 10,000 रुपये शिवराज सिंह चौहान पेमेंट बढ़ाया था, उसके बाद अपने प्रधानमंत्री जी 1,500 रुपये पेमेंट बढ़ाया था 2018 में, इनका पेमेंट इस हिसाब से 11,500 होना चाहिए। लेकिन बीच में यहाँ कांग्रेस की सरकार जब आई थी कमलनाथ जी का, इनका 1,500 रुपये पेमेंट जो है कटौती कर इनका जो 11,500 पेमेंट से 10,000 करवा दिए। इसको इन्होंने शिवराज सिंह से कई बार मिले हैं और मुख्यमंत्री जी इनको आश्वासन दिए हैं कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक 1 ईयर 2 ईयर जाने के बाद भी ये पैसे उनको, उनका जो मिल रहा था ये पैसे नहीं मिल रहा है। इसका वो पैसे उनको कैसे वापस मिले, ये सरकार के साथ वार्तालाप करेंगे। अगर सरकार मान जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं माने तो BMS जो मेरी आंगनवाड़ी वर्कर हैं यहाँ की, मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी संगठन भारतीय मजदूर संघ, ये फुल दम पे यहाँ आने वाली 1 मंथ के अंदर अपने सारे जिले में अपने आंदोलन करेगा। अगर 1 मंथ के अंदर भी शिवराज सिंह जी नहीं मानते तो जरूर उनकी जो बजट सेशन है उससे पहले ये संगठन लाखों लोगों के तौर पे भोपाल में उनका कार्यक्रम रखेगा और 1,500 रुपये किसी भी कीमत पे हमें लेना है। बाकी रहा नेक्स्ट पेमेंट, अभी मिनिमम वेजेस 18,000 है और आज की डेट में 10,000 कोई मायने नहीं रखता भोपाल और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में, क्योंकि ये समृद्धि स्टेट है और 18,000 जो मिनिमम वेजेस हमारी डिमांड है उस तहत हम सरकारी कर्मचारी की भी डिमांड रख रहे हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारी जो है, सरकार अगर तुरंत 1 मंथ 2 मंथ ऐसे में नहीं करता है तो कम से कम मिनिमम वेजेस को लागू करें, ये हमारी डिमांड है। दूसरी, अभी बहुत सारे आंगनवाड़ी वर्कर बुजुर्ग होकर रिटायर कर गए, अभी 60 साल यहाँ उम्र लगाते हैं और घर जाकर फिर से उनको खेती में और कुछ मजदूरी में लगाए एक आंगनवाड़ी वर्कर को, ये अच्छा शोभनीय काम नहीं है। या 500 रुपये या 1,000 रुपये पेंशन दिया जाता है, इसमें उनका गुजारा नहीं चलता। अभी मिनिमम उन्होंने जो शिवराज सिंह चौहान ने डिक्लेरेशन किया था 1 लाख रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सरकार हुआ है, उनको उनका जो 50 लाख का डिमांड मिलना चाहिए, जो तहत अलग अलग सरकार काम दे रही है उसका लेटर नहीं मिल रहा है, इसका जियो निकालना चाहिए। और इस हिसाब से सरकार जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंगनवाड़ी वर्कर को अगर कोई भी ICTS प्रोजेक्ट के अलावा दूसरा कुछ काम दिया जाता है तो अलग सा उनका पेमेंट भुगतान किया जाए, ये भी लागू होना चाहिए। इतनी मैं अपने राष्ट्र महामंत्री के नाते सरकार के पास ये सूचना मैं देना चाहती हूँ। बाकी यहाँ की कुछ लोकल डिमांड है, इसको अपने जरिए सरकार भी और प्रशासन भी इसको शट आउट करना चाहिए और मैं गुजारिश करूँगी कि ये शट आउट हो, यही मैं कहते हुए अपनी वाणी को यही रखती हूँ। भारत माता की। Subscribe now to most exciting channel ever.